लखनऊ में भी नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। सीनियर अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह स्थल का निरीक्षण किया और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। और इसी कड़ी में यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे। इनके साथ ही साथ यूपी डीजीपी मुकुल गोयल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी स्टेडियम का मुआयना किया है। तो एसीएस सूचना नवनीत सहगल भी पहुंचे थे। तो अधिकारियों की जो टीम है वो लगातार स्टेडियम का दौरा कर रही है, निरीक्षण कर रही है और जो तैयारियां हैं उनको चाक चौबंद करने की कोशिश है। तो एबीपी गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। ये है अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की, इकाना की, जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। और देखिए जो एसीएस सूचना है नवनीत सहगल, वो इस वक्त दिशा निर्देश दे रहे हैं और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भव्य कार्यक्रम होना है, ऐसे में प्रशासन का अमला जो है वो पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है और पुलिस अपनी सुरक्षा व्यवस्था को देख रही है। और अब बात कर लेते हैं यूपी की बड़ी सियासत की। भाजपा ने एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा की इस लिस्ट में 30 उम्मीदवारों का नाम है और इस लिस्ट में मुरादाबाद बिजनौर से सत्यपाल सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं आजमगढ़ मऊ सीट से भाजपा ने अरुण यादव को उम्मीदवार बनाया है। अरुण यादव सपा के नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव के बेटे हैं। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के परिवार से रविशंकर सिंह पप्पू को बलिया से टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में सबसे चर्चित चेहरे हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी, जो कि भाजयुमो के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रांशु को इटावा फरुखाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। और कौन कौन प्रत्याशी वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से नरेश भाटी, प्रांशु दत्त द्विवेदी को लखीमपुर से अनूप गुप्ता और बहराइच से प्रियंका त्रिपाठी, बाराबंकी से अंगद कुमार सिंह, प्रतापगढ़ से हरि प्रताप सिंह, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह, लखनऊ की अगर हम बात करें, लखनऊ उन्नाव की, तो रामचंद्र प्रधान को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। रविशंकर सिंह पप्पू को बलिया से टिकट दिया गया है। बहराइच से प्रज्ञा त्रिपाठी हैं। चौधरी ऋषपाल सिंह अलीगढ़ से हैं।